बैक टू बायोलॉजी 360 एंड दिस इज निधि शर्मा। और आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी आपको स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा, इसे जाके आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं अपनी कुछ एनिमेटेड पोस्ट एंड कुछ ट्रिक्स अपलोड करती हूँ। दूसरा पेज दिख रहा होगा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का, इसे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती हूँ, जो आपके लिए आई होप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एट कॉल द फर्टिलाइजेशन। एंड डबल मतलब यहाँ पर जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इस टॉपिक का नेम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो आई बटन से जाकर उस वाली वीडियो को देख ले। सो अभी इसके अंदर हम एक समरी भी में बता देते हैं कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और मेगा मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। सो एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ओव्यूल। इसके अंदर क्या है, ये थ्री एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और यहां पर है ये सिनर्जिड सेल, टू सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती हैं। टू सिनर्जिड सेल एंड इसके ऊपर है वन एक्सेल। और यहां पर है टू पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, इनका नेम पोलर न्यूक्लियाई क्यों पड़ा है, क्योंकि अपोजिट पोल से आकर सेंटर में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा है। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये क्या है आपका, सेंट्रल सेल। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में बताया, आप जाकर देख लेना। यहां सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे कि एम्ब्रियो सैक होता क्या है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, यहाँ थ्री एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, एक आप ये सेंट्रल सेल प्रेजेंट है जिसके अंदर टू पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है, एंड आपका ये एक वन एक्सेल प्रेजेंट है, टू सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है। और यहाँ सिनर्जिड सेल के पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसका नेम क्या होता है, फ्ली फ्रॉम अपरेटस। इस फ्ली फ्रॉम अपरेटस का काम क्या होता है, जब आपकी पॉलन ट्यूब आ रही होती है तो उसे गाइड करता है। कौन गाइड करता है, फ्ली फ्रॉम अपरेटस एक केमिकल सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो आपका पॉलन ट्यूब है वो उसको एक गाइडेंस मिलती है कि उसे किस पाथ पर जाना है। सो फ्ली फ्रॉम अपरेटस हो गया। और ये एक्सेल से आकर एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा और एक टू पोलर न्यूक्लियस से, जो अभी हम आगे जाके बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और इस पोरे को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक को हम एग एपरेटस क्यों बोलते हैं। एपरेटस मीन्स क्या होता है, कि इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट चीजों से मिलकर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चीज सिमिलर तो है नहीं है। थ्री एंटीपोडल सेल हो गई, वन सेंट्रल सेल हो गई एंड वन एक्सेल, टू सिनर्जिड सेल, मतलब इसके अंदर सारी की सारी सेल जितनी भी है वो सभी की सभी डिफरेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एग एपरेटस बोल रहे हैं। और एक और पॉइंट जो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसके अंदर सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आई होप सबको विजिबल होगा। इसके अंदर क्या होता है कि सेवन सेल प्रेजेंट होती है और एट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे, थ्री एंटीपोडल सेल वन हो गया एंड फोर सेंट्रल सेल, वन सेंट्रल सेल लेकिन इसे काउंट करके फोर हो गया एंड फाइव सिक्स सेवन। सो ये आपके सेवन सेल हो गई। और ये जो आपके पोलर न्यूक्लियर होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे में कभी भी फ्यूज नहीं होते, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक जो न्यूक्लियस होता है वो एक्स्ट्रा होता है, इसलिए यहाँ पे एट न्यूक्लियस हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो सैक। इसे क्यों बताया, क्योंकि आगे चल के डबल फर्टिलाइजेशन में इसी का ही रोल है। सो इसलिए मैंने आपको अभी ये बता दिया। सो लेट स्टार्ट माइक्रो स्पोरोजेनेसिस।
सो लेट स्टार्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, एंड माइक्रोस्पोर यहाँ पर किसे इंडिकेट कर रहा है? पॉलन ग्रेन को। फॉर्मेशन जो होता है उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बट पॉलन ग्रेन जो होता है कि वो कोई मेल गैमेट नहीं होता, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर होता क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसके अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन फॉर्म्ड होता है। पॉलन ग्रेन कोई मेल गैमेट नहीं है। ये इसको क्या कहते हैं, मोस्टली हम पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेट समझते हैं, बट पॉलन ग्रेन कोई मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन के अंदर ये जैसे कि आपको ये पॉलन ग्रेन है, यहां सिर्फ हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन है। इसके अंदर क्या है, ये जो पॉलन ग्रेन है आगे चल के माइटोसिस डिवीजन करता है, उसके अंदर क्या करता है, ये वेजिटेटिव सेल बना लेता है। सो ये है आपकी वेजिटेटिव सेल, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसका ये साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल सेल होती है जो इसके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती है। ये है आपकी वो वाली सेल। इस सेल का नेम क्या है, जनरेटिव सेल। सो पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल हो गई, एक तो आपकी वेजिटेटिव सेल हो गई और एक हो गई जनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल ही पहले पॉलन ग्रेन ही थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे माइटोसिस हुआ और वेजिटेटिव सेल के अंदर कन्वर्ट हुई। अब क्या होता है कि ये वाली जो लेयर है वेजिटेटिव की इनर वाली, ये क्या है आपकी इंटाइन लेयर है, और इसके ऊपर एक लेयर और होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। ये सब कुछ प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर बता रखा है, बट यहां सिर्फ हम एक बार स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन के जो स्ट्रक्चर है वो होती कैसे। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है आगे चल के क्या करेगी, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू टू मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और एक और चीज, ये जो एक्साइन होता है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल का होता है। इसके ये किससे बनता है, स्पोरोपोलिनिन से बनता है। स्पोरोपोलिनिन से बनता है। एंड आपका एंटाइन किससे बनता है, सेल्युलोज प्लस पेक्टिन। और जो आपकी वेजिटेटिव सेल है इसके ये क्या करती है, आगे चल के माइटोसिस डिवीजन करती है और उसके अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, टू मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, टू मेल गैमेट्स के अंदर। बट क्या होता है कि जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जब आपका पॉलन ग्रेन बन रहा होता है, जब आपके वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल बन रही होती है, उसी के हैंड टू हैंड वो थ्री सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब क्या है इस बात का, जितने भी आपके 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले ही थ्री सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुके होते हैं। ये किसके अंदर है, 40%। अब क्या होता है, कुछ आपके 60% होते हैं, यहां लिख देती हूँ, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जो आपके स्टिग्मा पे जब लैंड करते हैं तो वो सिर्फ टू सेल के अंदर करते हैं, टू सेल। और वो टू सेल क्या होता है, एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और एक क्या होती है, जनरेटिव सेल होती है। और ये थ्री सेल क्या होते हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल हो जाएगी और ये जो जनरेटिव सेल है वो अपने आप को टू मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेती है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस डिवीजन। इसलिए इसको क्या बोल दिया, थ्री सेल स्टेज बोल दिया है। 60% जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, टू सेल स्टेज पर स्टिग्मा पे जाके पॉलन ग्रेन लैंड करता है, जबकि 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, थ्री सेल स्टेज पर जाकर स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है। सो ये है एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो आगे चल के डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर इसका रोल प्ले है, वो देखते हैं कैसे। सो अभी तक हमने क्लियर कर लिया है कि आपका एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसे एग एपरेटस क्यों बोलते हैं और उसके अंदर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कैसे होते हैं।
और हमने ये भी देख लिया है कि पॉलन ग्रेन कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। और पॉलन ग्रेन कोई मेल गैमेट नहीं होता, उसके अंदर मेल गैमेट फॉर्म हो रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ जनरेटिव सेल, वो जो माइटोसिस डिवीजन करती है तो उसके अंदर टू मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं। और ये भी देखा है हमने कि 40% एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट्स होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज पर जाके सेड होते हैं, और जबकि आपके 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो 2 सेल पर जाके स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपका ये कार्पल है, ये आपका कार्पल है, और ये क्या है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या कराता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, प्लेटफॉर्म किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए, फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ये स्टिकी नेचर का होता है स्टिग्मा, नेम से पता चल रहा है स्टिग्मा मतलब यहाँ पे एक म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है जो बहुत ज्यादा स्टिकी नेचर का होता है। इस पर सपोज है कि ये पॉलन ग्रेन आ गया, ये क्या है पॉलन ग्रेन, और अब हमें कौन सी स्टेज देखनी है, 60% वाला केस देखना है। यहाँ पर 60% क्या था कि वो 2 सेल पर जाके स्प्रेड हो रहे थे, 2 सेल, एक जेनरेटिव और एक वेजिटेटिव। सो ये है आपका पॉलन ग्रेन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा से यहां फ्यूनिकल निकल रहा होता है, और इसके अंदर ये ओव्यूल होता है, ये है ओव्यूल। यहां पर 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है, यहां पर 2 सिनर्जिक सेल प्रेजेंट होती है, ये एक्सल एंड दिस इज अ पोलन न्यूक्लियस। अब क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे ये वेजिटेटिव सेल थी ना, इसके अंदर ये एग्जाइम से यहाँ पर कुछ पोर्स निकल रहे थे, इसे क्या बोलते हैं हम, जर्म स्पोर बोलते हैं, जर्म स्पोर, जर्म स्पोर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां से क्या होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और वेजिटेटिव सेल को आप पॉलन ट्यूब न्यूक्लियाई भी बोलते हो। तो यहां से क्या होता है, ये आपका पॉलन ट्यूब निकलता है, और ये पॉलन ट्यूब को कौन गाइड करता है, अभी जस्ट बताया था मैंने, फ्ली फ्रॉम एपरेटस, यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो पॉलन ट्यूब को इस तरीके से बुला रही होती है कि इधर आके आप पार्किंग कर सकते हो। तो पॉलन ट्यूब क्या करती है, ऐसे जाती है, यहां से एंटर करती है, आई होप सबको विजिबल होगा, यहां से आके पॉलन ट्यूब ऐसे एंटर करती है, किसके अंदर, सिनर्जिक सेल के अंदर। एक सिनर्जिक सेल को पॉलन ट्यूब क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है इस तरीके से, यहां से। और यहां पर क्या होता है, वो जो आपके 2 मेल गैमेट थे, वो जो जनरेटिव सेल थी वो अपने आप को 2 मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेती है, तो वो पॉलन ट्यूब के थ्रू आ रहे होते हैं। ये क्या है आपके 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, और ये क्या है पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। अब क्या होता है, ये जो 2 मेल गैमेट होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं, किसकी हेल्प के थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू, और इन्हें गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है, फ्ली फ्रॉम एपरेटस प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है, जैसे ये पॉलन, जैसे ये मेल गैमेट यहां सिनर्जर के पास आते हैं, तो इनमें से क्या होता है, कुछ केमिकल सिक्रेट होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक सिनर्जर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक्सेल के अंदर एंटर होने के लिए। ये क्या है एक्सेल, एक्सेल, और ये क्या है 2 पोलर न्यूक्लियर, 2 पोलर न्यूक्लियर। जैसे इन दोनों मेल गैमेट्स के अंदर क्या होता है, नेचर के अंदर क्या होता है कि कंपटीशन होता है, जब भी दो सेम स्पीसीज होती है उनके अंदर कंपटीशन होता है, जो स्ट्रॉन्गर होता है वो एक्सेल के साथ जाके फ्यूज कर लेता है, और जो दूसरा वाला बसता है वो किसके साथ जाके फ्यूज करता है, 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ। तो सपोज है कि ये वाला फर्स्ट मेल गैमेट है और ये सेकेंड मेल गैमेट है, दिस वन इज अ फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकेंड मेल गैमेट। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो यहां एक्सेल के साथ जाके फ्यूज कर लेता है, और जो दूसरा वाला जो मेल गैमेट है
वो एक्सेल की फ्रेंड के साथ काम चलाता है और उसकी फ्रेंड एक्सेल की फ्रेंड कौन है, पोलर न्यूक्लियर है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक्चुअल में होता क्या, जब आपका पोलन ग्रेन लैंड करता है कहाँ पर, स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर वो जाके क्या करता है कि जो आपकी वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल पर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन, एक्साइन के थ्रू क्या होता है यहाँ पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्साइन बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट लेयर होती है और उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स के थ्रू क्या होता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और इसलिए हम वेजिटेटिव सेल को क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसके अंदर अब जो जनरेटिव सेल थी उसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने पर वो टू मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो पोलन ट्यूब के थ्रू वो कहां पर जाके एंटर हो जाते हैं, सिनर्जर सेल को, एक सिनर्जर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक एक्सेल के साथ फ्यूज करता है फर्स्ट मेल गैमेट, और जो सेकंड मेल गैमेट है वो पोलन न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है। सो ये है आपका एक प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन का। अभी हम इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। सो अभी तक हमने डबल फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस देख लिया कि उसके अंदर होता क्या है कि आपके टू मेल गैमेट्स होते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एक्सेल एंड द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियर। इसलिए इसके अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसे हमने क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन बोला। और ये किसके अंदर होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर होता है। एक बार इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं एज अ समरी कि जो आपका फर्स्ट मेल गैमेट था डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, टू मेल गैमेट्स होते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकंड मेल गैमेट, जो फर्स्ट इन दोनों के अंदर क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है और जो जो स्ट्रॉन्गर वाला होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है, फ्यूजेस विद एक्सेल। अब क्या होता है, ये जो फर्स्ट मेल गैमेट है आपका, ये फर्स्ट मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड इन नेचर है और एक्सेल भी क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर। सिनगैमी के बाद में फ्यूजन, मतलब यहां क्या हो रहा है, सिनगैमी के बाद में क्या फॉर्म करते हैं, ये जायगोट फॉर्म करते हैं। और जायगोट नेचर के अंदर कैसा होता है, डिप्लॉइड इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि एक तो मेल गैमेट का है और एक एक्सेल का एंड, दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, जायगोट, और ये कैसा है, डिप्लॉयड नेचर का हो गया। अब आता है सेकंड मेल गैमेट। सेकंड मेल गैमेट क्या करता है, एक्सेल की जो फ्रेंड होती है पोलर न्यूक्लियर उसके साथ फ्यूजन करता है, फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियर। और पोलर न्यूक्लियर कितने नंबर में थी, टू नंबर में थे ना, तो मतलब यहाँ टू एन है, ये डिप्लॉयड है और ये जो आपका मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड है। अब यहां क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। इस ट्रिपल फ्यूजन के अंदर क्या बनता है, आपका PEN बनता है, PEN। और ये कैसा होता है, 3N होता है, जैसे कि ये डिप्लॉयड था जायगोट, ऐसे जो आपका PEN बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसा होता है, 3N होता है। सिक्वाइज इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, प्राइमरी एंडो स्पर्मिक न्यूक्लियस। ये कैसा होता है, 3N होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3N कैसे होता है, एक बार समझ में आ गया ना कि ये कैसे, टू पोलर न्यूक्लियर है आपके पास में और एक आपके पास में मेल गैमेट है, ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाती है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो 3N होता है, जबकि जायगोट कैसा होता है, 2N होता है। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार यहाँ पर सिनगैमी हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। डबल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल्स टू डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, यहां तक था आपका फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स होती है ना हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आता है आपका फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो इसके बाद में आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बट एक बार देखते हैं कि आपका ये जो जायगोट है अभी ये कुछ टाइम तक रेस्ट पर रहता है, मतलब अब इसके अंदर कोई भी डिविजन नहीं होगा कुछ टाइम तक, जब तक ये क्या करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिविजन होता है। माइटोसिस क्या होता है, डिवीजन होता है,
इस माइटोसिस डिवीजन के अंदर ये क्या बना लेते हैं, ये एंडोस्पर्म बना लेते हैं, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर, सेलुलर और एक और होता है हैलोवियर। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, बट एक बार आप देखो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है। इस डिवीजन के बाद में अपने आपको किस में कन्वर्ट कर लेता है, एंडोस्पर्म। ये भी 3M ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ चेंज हो जाएगा, बस ये अपने आपको एंडोस्पर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ये जो एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर क्या रिजर्व होता है, फूड रिजर्व होता है। फूड रिजर्व किसके लिए, डेवलपिंग जो आपका ये एम्ब्रियो है ना। अब जैसे यहाँ पे ये फूड रिजर्व मतलब एंडोस्पर्म बन जाएगा तो जायगोट पहले किस पे था, रेस्ट कंडीशन पे था, बट जैसे ही खाना बन जाता है मतलब यहाँ पे फूड रिजर्व कर रहा है ना ये अपने अंदर एंडोस्पर्म, तो ये जायगोट क्या करेगा, अब एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। ये है डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो फूड रिजर्व करके रख रखा है एंडोस्पर्म ने, ये किसको प्रोवाइड कर देगा, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर प्रोवाइड कर देगा, जिससे आगे चल के यहां से क्या बनेगा, मतलब एक ओव्यूल से आपका सीड बन जाता है, ओवरी से आपका फ्रूट बन जाता है, तो वो वाली प्रोसेस आपके फर्दर मतलब हो जाएगी। इस ये है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो टॉपिक है ना जायगोट से लेके यहां तक, जायगोट के बाद में, और ये प्राइमरी, ये सब किसके अंदर हम पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हो गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।